एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, वेलकम टू आवर ट्रिक्स पॉइंट। तो आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहली न्यूज चल रही है एशिया कप। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंच गई है, आप सभी को कांग्रेचुलेशन। और अभी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद से इंडिया वर्सेज बांग्लादेश मैच चल रहा होगा, जो कि श्रीलंका में हो रहा है। तो एशिया कप जो होस्ट करा है वो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने कराया। तो इंडिया के जो ज्यादा मैच है वो आपको पता है श्रीलंका में हो रहे हैं। तो आई थिंक सो कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फाइनल मैच होगा, जो कि कोलंबो में होगा। तो नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी तकेशी काशिप। तो 90s और 2000 के बच्चे जानते हैं कि तकेशी काशिप कितना फेमस था, जो कि हमारे चैनल में आता था, पोगो चैनल में, जिसको कमेंटेटरी करते थे जावेद जाफरी। बट लेकिन अब इसमें एक न्यूज है कि अब कौन करेगा, भुवन बम। तो इनको कौन नहीं जानता होगा, ये यूट्यूबर है, बीबीके वाइंस, सबने सुना होगा। तो देखते हैं कि ये कितना खरा उतरते हैं, कि जावेद जाफरी को कितनी टक्कर दे पाते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ये मेरा फेवरेट शो था, जो मैंने बहुत ज्यादा देखा है, तो आप भी देखना जरूर। तो नेक्स्ट न्यूज आती है इमरजेंसी अलर्ट। तो आज आई थिंक 15 सितंबर है, तो 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच एक इमरजेंसी अलर्ट आया था, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लिया था। इसका कोई खास रीजन नहीं था, बस एक चेकिंग करने के लिए एक टेस्ट चल रहा था कि सबके एक रैंडम फोन्स में एक मैसेज आ रहा था इमरजेंसी अलर्ट, जिसमें लिखा रहा था कि ये मैसेज का कोई मतलब नहीं है, बस एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने टेस्ट करने के लिए दिया। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा एक अलर्ट था। तो नेक्स्ट आता है आज की स्पेशल डेट, आज क्या है, 15 सितंबर हम सभी जानते हैं इंजीनियरिंग डे है। तो इंजीनियरिंग डे किसके ऊपर मनाया जाता है, मोक्ष गुंडम विश्वेश बराया। मेरे से भी ये नाम नहीं बोला जा रहा है, पता नहीं, काफी पुराना नाम है। तो ये 1861 के बोर्न है और इन्होंने पहले बीए करी थी पुणे में, फिर उसके बाद साइंस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पुणे से इन्होंने बीटेक करी थी। तो जिनके ऊपर ये इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। और इससे पहले एक 14 सितंबर को भी बहुत इंपॉर्टेंट डे था, जिसका नाम था हिंदी दिवस। हिंदी दिवस अब इसराइल ने भी अपना लिया है, काफी देश जो है इसको अपना रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं रहेगा, बाकी देशों में भी ये फैल रहा है। नेक्स्ट आता है जवान मूवी। जवान मूवी किसने नहीं देखी, जिसको बॉलीवुड ने अपने ट्रैक पे वापस ला दिया है, जो कि 600 करोड़ में आपको 600 करोड़ के क्लब में शामिल हो गया है। ये आई थिंक शाहरुख खान की लास्ट 5 ईयर में फर्स्ट मूवी है जो 600 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है, जिसके कारण बॉलीवुड जो है वो काफी ज्यादा ट्रैक पे आ गया है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना।